एक हादसे की बड़ी ही चौंकाने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। पहले तो एक लड़का मॉल में ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन उसके नीचे गिरते ही एक लड़की उसके करीब पहुंचकर उसकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लेती है और फौरन किसी को कॉल करती है। अब सवाल यह है कि ये लड़की पीड़ित लड़के के फोन से कॉल कर किसको उसके गिरने की खबर देना चाहती थी, या फिर इस वाकये का राज कुछ और है। यह है सहारनपुर का जीएनजी मॉल। घूमने फिरने की जगह के तौर पर शहर के लोगों की पहली पसंद। गुरुवार 28 जुलाई सुबह 11:40। इस वक्त तक इस मॉल में सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, लोग घूम फिर रहे हैं, और इसी बीच तीन लड़कियां वहां आती हैं और आकर मॉल के बीच में लगे एक आर्टिफिशियल पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि पूरे मॉल में सन्नाटा खिंच जाता है। गौर से देखिए कैसे एक लड़का अचानक ऊपर से पूरी रफ्तार से नीचे आ गिरता है और डर के मारे लोग सहम जाते हैं। लेकिन तभी वहां बैठी तीन लड़कियों में से एक उसके करीब जाती है और फिर लौट आती है। अगले ही पल वो दोबारा उसके पास जाती है और उसकी जेब से उसका मोबाइल फोन निकाल लेती है। गौर से देखिए पीले टॉप वाली ये लड़की दोबारा उसके पास पहुंचकर सीधे उसकी जेब टटोलने लगती है और उसकी जेब से मोबाइल फोन निकालकर उससे फौरन कोई नंबर डायल करती है। तब तक मॉल प्रशासन के लोग लड़के को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अब भी वो लड़की लगातार फोन पर बात करते हुए लड़के के साथ ही चलती हुई नजर आ रही है। उधर अस्पताल में उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी है और वो कोई बयान देने की हालत में नहीं है। मेरे फ्रेंड मेरे पे यहाँ से फोन आया कि यहाँ आ जाओ, मैं आया, फ्रेंड को देखा, मैंने घर वालों को फोन करा, बस इतनी बात है। अब हमें ये पता लगा कि हमारे भाई का मॉल के उससे गिराया, वो बस यही पता था हमें तो। आए मॉल की है मतलब जीएनजी मॉल है, बस इसकी वजह है और कोई वजह नहीं है। वैसे ऊपर से नीचे कूदने वाले इस लड़के के घर वाले इसे एक हादसा मान रहे हैं और उनका कहना है कि इसके लिए मॉल की बनावट और लचर सुरक्षा इंतजाम ही असली वजह है। लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले में पीड़ित लड़के की जेब से मोबाइल निकालने वाली लड़की की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इस लड़की ने उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर किसी को मदद के लिए बुलाया, या फिर उसके ऐसा करने का राज कुछ और था। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में गुरुवार दोपहर 9वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की रहस्यमयी हालात में अपने ही घर में जलने से मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ लड़की घर पर अकेली थी, लेकिन ये वाकया महज एक हादसा है, खुदकुशी है या फिर कत्ल, इस पर अभी पर्दा है। हालांकि लड़की के घर वालों ने इसे कत्ल करार दिया है। दरअसल पड़ोसियों ने अचानक इस लड़की के घर से धुआं निकलते हुए देखा, जिसके बाद आग बुझाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन वहां पर लड़की की मौत हो गई। इस रहस्यमयी मौत के मामले पर लड़की की मां से बात की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, जांच की जा रही है। हमारे साथ लड़की की मां मौजूद है, अंजलि लड़की का नाम है। आप ही बताइए कब आपको पता चला, क्या हुआ? नहीं तो ये क्या आपको लगता है हादसा है या किसी ने उसकी हत्या की? मारा है उसको, वो अपने आप थोड़ी मर जाएगी। तो किसने मारा हो, कौन है, किसी पे शक है आपको? मुझे किसी पे शक नहीं है, मैं तो ऐसे की लड़की अपने आप थोड़ी नहीं मर जाएगी। अगर मरती कोई आग लगाता तो उसको फड़फड़ाते, पहले उसे मारा है फिर जला के उसको उसको रख दिया। तो घर में कौन कौन रहता था आपके अलावा, लड़की के अलावा? मैं रहती थी, मेरा बेटा था और कोई नहीं था, और बेटी रहती थी, तीन जने रहते थे। तो किसी को, पुलिस को आपने कुछ बताया, किसी को शक है किसी पर कुछ ऐसा? कुछ नहीं बताया।
दिल्ली की एक स्कूल टीचर को अपनी बहादुरी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उनका बैग बाइक पर आए एक झपट मार ने छीन लिया। टीचर ने अपनी स्कूटी से झपट मार का पीछा भी किया, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा हादसा हुआ कि टीचर की जान चली गई। स्कूटी फिसल कर एक खंभे से जा टकराई और नतीजा मौत की शक्ल में सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद एक झपटमार की ये तस्वीर। सड़क किनारे लगा ये बिजली का खंभा और मौका वारदात पर जारी पुलिस की ये तफ्तीश। ये बाहरी दिल्ली के बादली इलाके में हुए एक ऐसे हादसे की गवाह हैं जिस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। ये हादसा जो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसे झपटमार की करतूत थी जिसके चलते एक बेगुनाह इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और वो भी हादसे का शिकार होने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल में बच्चों को अच्छे बुरे की तालीम देने वाली एक टीचर थी। मामला मंगलवार का है जब स्कूल टीचर प्रिंसी अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी, तभी सिरसपुर के पास बाइक पर आए एक बदमाश ने उनसे उनका बैग छीन लिया और तेजी से भागने लगा। प्रिंसी ने भी झपटमार को पकड़ने की कोशिश की और स्कूटी उसकी बाइक के पीछे लगा दी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही स्कूटी स्लिप हो गई और प्रिंसी सड़क किनारे लगे इसी खंभे से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके सिर में गंभीर चोट लगी। लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रिंसी को बचाया नहीं जा सका। अलीपुर से आगे खेड़ा के गोदामों के आसपास से किसी सेनेचर ने उसका पीछा किया, पीछा करके उसका बैग वगैरह जो छीना, उसने हमारी पुत्रवधू ने उसका पीछा किया है, पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आया और उसकी स्कूटी स्लिप हो गए ने वो रोड पे जो ना गिर गई। लोगों की माने तो स्कूल टीचर ने बहादुरी दिखाते हुए करीब एक किलोमीटर तक झपटमार का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। उधर दूसरे दिन महिला का पर्स झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसमें आई कार्ड और दूसरी चीजें तो मौजूद थीं, लेकिन पैसे गायब थे। हालांकि इस अफसोसनाक वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें होने के बावजूद पुलिस अब तक झपटमार को नहीं पकड़ पाई है। साथ ही इस वारदात ने यह भी साबित कर दिया है कि दिल्ली में झपटमारों पर कायदे कानून का खौफ कितना कम है। राजेश खत्री, दिल्ली आज तक। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बारिश और बाढ़ ने बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी को एक और मौका दे दिया है तबाही मचाने का। मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों ने बिहार के कई जिलों और सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर दिया। किसी एक घर में नहीं पूरे गांव में घुसाया अनचाहा मेहमान, ऐसा मेहमान जिसने घर वालों को ही बेघर कर दिया। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। खासतौर पर कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में कोसी और कमला नदियों की लहर पर सवार ये कहर लोगों के दरवाजे तक पहुंच गया। इलाके में हाहाकार मचा तो प्रशासन ने नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। पानी के बढ़ते दबाव से कई जगह बांध टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। नाव पर्याप्त संख्या में भी 27 नाव टोटल चल रही है और नाव की डिमांड है, उसको हम लोग तुरंत आज ही कराएंगे। और कुछ लोग जो बांध पर आए हैं उनके लिए राहत सामग्री जो है अभी तुरंत वितरित होगा उसका, और एक मेडिकल टीम हम लोग यहाँ बांध पर ही जो विद्यालय है उसमें रख रहे हैं। कटिहार में भी 8 प्रखंडों में बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है। महानंदा, कोसी और गंगा की लहरों में 60 पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह घिर चुकी हैं। हजारों घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों की शिकायत है कि यहां प्रशासन कोई राहत नहीं पहुंचा रहा है, लोग अपने साधनों से ही सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने
कदवा प्रखंड के मुख्य बांध कचौड़ा झोवा को खुद ही काट दिया और बाढ़ की नई आफत को दावत दे दी। अपने इलाके से पानी निकला तो बांध के पार बने गांव में पानी घुस गया। पानी बढ़ा तो कदवा का ये स्कूल करीब करीब डूबने के कगार पर है। कई इलाकों में तो ये डिश एंटीना ही यहाँ घर होने का सबूत दे रहा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है, जिसने दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। यहाँ वाल्मीकि बैराज से 3,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने वाला है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे गांव में बाढ़ पानी से पूरा गांव ध्वस्त हो गया हुआ है, मकान गिर गया हुआ है और तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हम लोग बाढ़ पे रहने से मजबूर हो चुके हैं। बिहार के गोपालगंज में आसमानी आफत के साथ ही नेपाल से छोड़े जा रहे पानी ने भी कहर ढा रखा है। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को गंडक नदी में नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे 6 ब्लॉक के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेवल तक जो है इस वक्त यहां पर पानी भर चुका है और इसको देखते हुए बिहार सरकार ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है कि नेपाल की तरफ से और भी पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे है यहां पर गंडक नदी में खासकर पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ सकता है। इसको देखते हुए NDRF की टीम्स भी यहाँ पर ज्यादा संख्या में लगाई गई है। गोपालगंज के बराई पट्टी पंचायत के 22 गांव तक आज तक पहुंचा और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। छोड़ के तो आधे बंदे चले गए हैं, एक दो फिलहाल में अपने फैमिली के साथ यहाँ से लोग रह रहे हैं। तो कैसे रह रहे हैं? घर में तो पानी घुस चुका है, पानी से, लेकिन क्या करें, इसी माहौल में तो रहना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत का हर चीज के लिए मुश्किल पड़ रहा है यहाँ। सरकारी मदद कोई मिली अभी? अभी तो कल 3 रोज के बीच में आज ही राहत का कुछ जो मिला है, खाने पीने का जो आज ही मिला, आज के इसके बाद पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिला है, आज आया है लेकिन कुछ मदद। हाँ, आज तो आया है, चूरा मिला, मीठा मिला, मोमबत्ती मिला। बाढ़ से बेहाल बिहार में RJD चीफ लालू यादव का घर भी पानी पानी हो गया, लेकिन पटना में इस बारिश को लालू यादव ने अपने अंदाज में ही बयां किया। गलत बोलता है, इसमें स्नान करोगे तो देह का सब गर्म निकल जाएगा, चर्म रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। बारिश के पानी से नहाना चाहिए, एकदम नहाइए, नहाते देखिए। आप बचपन में भी नहाते थे? पूरा पूरा। बारिश तो यकीनन जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी बारिश जिसने लाखों लोगों को बर्बाद करने की कसम खा ली है? इसीलिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गोपालगंज से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।